आ मिले हो यूं ही। भाई जी नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मुझे तुम दोनों पे डाउट था कि तुम दोनों ने मेरा सामान चोरी किया। जब हम कह रहे हैं कि आतिफ और सज्जाद ने चोरी नहीं की, फिर भी सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए उन दोनों को यहाँ बुलाया, और एकदम से तुम कमरे में आके कह रही हो कि इन्होंने चोरी नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दें। आई होप आप सुरैया के घर वालों से भी नाराज नहीं होंगे। सुरैया, अगर आज के बाद तुम कनीज फातिमा को मेरी इजाजत के बगैर बाहर लेके गए तो मुझसे बुरा नहीं होगा। कसम खाओ सच में जॉब मिल गई। अब बताओ कब ले कर आऊं मम्मी को? उनको छोड़ो, तुम्हारी आपा का क्या बना? हाँ वो यही है, सेपरेशन हो गई उनकी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बुरा हुआ, लेकिन अब मैं उनकी शादी को ठीक करते करते अपनी शादी को मजीद लेट नहीं कर सकता। मम्मी से बात कर ली है मैंने। तुमने बात कर भी ली? हाँ तो मैं कोई तुमसे टाइम पास थोड़ी कर रहा था, तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें पसंद किया था। हाँ लेकिन मैंने तो बात नहीं की ना अभी तक। क्या मतलब कब करोगी? एग्जाम्स है ना अगले महीने, उसके बाद कर लूँगी। यानी दो तीन महीने बाद? हाँ। नहीं मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। तुम अपने घर वालों से आजकल मैं बात करूँ वरना मैं खुद अम्मी को लेकर आ जाऊँगा। पागल हो गए अब? मरवाओगे अगर यूँ मुँह उठा कर आ गए तो? तिक्का बोटी कर देंगे मेरे घर वाले। मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा सुनो, कोई मतलब कोई आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। जल्दी सोचो और बताओ फिर मुझे। हेलो भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद कर रहा था। भाई दोस्त, शायद तुम्हारे याद करने से मेरी जिंदगी लंबी हो गई। अरे भाई क्या हुआ? चार वो दिमाग को दुस्त करके दिल को बुला दिया मैंने, खफा हो गया दिल। अरे यार तू तो शायरी करने लगा, बता तो सही क्या हुआ? बस वो हल्का आके किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ताई जी को यहाँ आया तो बस थोड़ा सा हार्ट अटैक हो गया छोटा सा। ओ खैर, तू ठीक तो है ना? ठीक हो। तूने किम को बताया? नहीं, सिर्फ तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तबीयत बेहतर होगी तो ताई जी को फोन भी कर दूंगा। तो मुझे किम के बारे में बताओ, हो सके तो जाके उसे मिल लो। हाँ मैंने दाऊद को फोन किया था लेकिन उसे बात करके मुझे तसल्ली नहीं हो रही। किम तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तुमसे खुलकर बात करेगी। अगर तुम उसे समझा सको कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी बेहतरी के लिए किया, तू फिक्र मत कर, मैं जाऊंगा। और कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तेरी खातिर गालियां भी खा लूंगा, बचपन में भी तो खाया करते थे। थैंक यू यार जुल्फी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर यार, दोस्त तेरे जैसे ही होने चाहिए। हाँ अपना ख्याल कर। जी आपने बुलाया? हाँ बैठो बेटा।
जी अब्बा जी। दाऊद बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कनीस फातिमा को बाजार ले जाओ और जो चीजें वो चाहती है उसको दिलवाओ। हाँ, कौन सी चीज है अब्बा जी? अरे भाई, भाई सेल फोन, लैपटॉप, तो मकसद है उसके पास नहीं है ये चीजें। कब तक तेरे मेरे फोन पे बात करती रहेगी वो? हाँ, लेकिन लेकिन क्या भाई? ये लो, ये 5 लाख रुपए करी स्वात्मा को ले जाओ और उसको जो चीज पसंद आए अच्छी से अच्छी वो दिलवाओ। बजी, मैं उसे चीजें अपने पैसों से ले दूंगा, इसकी क्या जरूरत है? अपने पैसों से? क्या तनख्वाह है तुम्हारी मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, और कहाँ से सेविंग है तुम्हारे पास? बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ये पैसे रखो और उसे इसकी चीजें दिलवाओ। अब्बा जी, वो मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी हैसियत के मुताबिक चीजें ले दूंगा। हाँ ठीक ही तो कह रहे था बेटा, इतनी जल्दी उसको अपनी हैसियत से रूशनास मत कराओ कि वो घबरा जाए और फिर यहां रहना ही ना चाहे। कौन सा रहना चाहती हैं? मैंने कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था बजी रहने ने। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो, ये पकड़ो जाओ। तरी सात पाँव को बाजार लेकर जाओ, जाओ शाबाश। ये इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? तुम्हारे अब्बा ने दिए थे। अरे मैंने जमा किए थे दाऊद की शादी के लिए, वो तो सारा खर्चा नवीद ने किया ना, तो ये पैसे बच गए, मैंने सोचा दाऊद को दे दूं। तो उसे देने की बजाय आप अपने पास संभाल कर रखते ना, सुरैया की शादी के काम आते, कभी तो मुझसे भी मशवरा कर लिया करें आप। तुमसे मशवरा कर लिया करो, पागल नहीं हूं मैं जो तुमसे मशवरा करूंगा। मशवरा जाओ, चाय लेकर आओ मेरे लिए, चलो। जा रही हूं। हाँ क्या खाओगी, चाइनीज या फास्ट फूड? तुम लेके जा रहे हो तो तुम ही डिसाइड कर लो। ठीक है, तो फिर देसी खाते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक मोबाइल और लैपटॉप लेना पड़ेगा। व्हाट? पर बाय, ताकि तुम्हें मुझको छोड़ के जाने में आसानी हो। ट्राई करो सॉस, बहुत अच्छा है अंदर। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना है सर। ओह माय गॉड, ताकि सब कुछ तुम खा सको। वैसे
लेकिन तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम्हें पता है कि स्पाइसी फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब अंकल बशारत को ही देख लो, तुम चाहते हो कि मुझे भी अल्सर हो जाए ना? इतनी देर यहाँ रुकूंगी कि अब्बा जान की उम्र तक पहुंच सको? इतना स्पाइसी खाना खाया तो मर जाऊंगी। अच्छा ना? और अच्छा। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अमीर हो कि मुझे लैपटॉप और फोन लेके दोगे। मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं, कि पैसे मुझे अब्बा जान ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं साथ में तो चीजें देखे। अच्छा, तुमने उधार लिया? बाप बेटे के मुझको उधार नहीं होते। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको पैसे वापस कहीं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे पास चीजें नहीं थी और तुम्हें सब कुछ लेके देना मेरा फर्ज है। मुझे चीजें लेके देना तुम पे कब से फर्ज हो गए? बीवी और बच्चे, और बीवी के खर्च करना हर शौहर का फर्ज होता है। उसका ख्याल रखना, उसकी चीजों का ख्याल रखना, उसका जज्बात का भी ख्याल रखना। वैसे डेविड तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी। मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। आई मीन तुम थोड़े से डिफरेंट हो मुझसे, और जब हम एक मुख्तलिफ माहौल में होते हैं या डिफरेंट लोगों के साथ रहते होते हैं उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। जाना तो है मुझे वापस, लेकिन हम पाकिस्तानी मुख्तलिफ लोगों के साथ सारी जिंदगी गुजार है। इतना स्टेमिना नहीं है मेरे में। और अगर तुम्हें मैंने फिर ऐसा बना दिया तो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। कनीस फातिमा, अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो तुम भी तो मेरी तरह बन सकती हो ना? चलो एक डील करते हैं। अगर तुमने मुझे मुतासर किया तो मैं खुद को तुम्हारे मुताबिक ढाल लूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी यहाँ पर। और अगर तुम हार गए तो तुम मुझे रोकोगे नहीं, जाने दोगे। डिवोर्स तो फिर, और जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ हम मियां बीवी की तरह नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो बोले और वैसे इनका खाना ना पुरानी है, स्पाइसी बहुत है, बहुत अच्छा है। वुड इसको बताओ क्या कोई है ही नहीं। क्या हुआ सुरैया? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो? नहीं। दरअसल भाली पप्पू कुछ कहना है आपसे। मुझे आपकी मदद चाहिए, बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई है।
अब कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना सुरैया, मेरा दिल रुक जाएगा। कैसा? यही कि तुम किसी लड़के के साथ, मेरा मतलब है आजकल जमाना बहुत खराब है ना भाईजान, अब्बा जी, दाऊद, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, तूफान आ जाएगा। क्या वाली पुप्पो, आप भी पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़ के चढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस परेशान हो रही थी कि इम्तिहानों की तैयारियां वैसी नहीं हो पा रही जैसे मैं चाह रही थी। अभी जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें भी दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गई, यही बताना था। तो ध्यान से पढ़ो ना, तुम भी तो किताबें खोलकर इधर उधर की बातें सोचती रहती हो। कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं बहुत वजनी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो रजिया। प्लीज फातिमा, अब ये तुम्हारी भी माँ है। तो इतना प्यारा नाम है इनका रजिया, क्या प्रॉब्लम है? लो इसकी सुन लो। और दाऊद तुम्हें क्या हो गया, एक ही दिन में बीवी की बातों में आ गए, इस खुलिए में उसको बाहर लेकर चले गए, कैसे शोहर हो तुम? हेलो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं परसों पुरानी सोच, अब दिन में तो नहीं बदल सकता है। और मैं उसको शोहर हो, कोई जादूगर नहीं। मुझे तुमसे इतनी बुजदिली की उम्मीद नहीं थी दाऊद, कैसे मर दो बेटा? अम्मी अब जैसा भी हूं ना, आप ही का बेटा हूं। अगर आपकी तरबियत और मेरे रवैये ने उसको मुतासर किया तो वो खुद बदल लेगी, मेरे रोब या गुस्से से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने, लेकिन कल फिरदौस के वो ऐसे ना जाए, बता देना, मुझे भी बता देना। अच्छा बता दे। चलो जाओ। याद रहे हम दोस्त हैं। याद है, बेफिक्र रहो, लेकिन देखने पे तो पाबंदी नहीं है। घूरने पे है। वो जोत से तुम्हारा रिलेशनशिप, मेरा मतलब है कि क्या जानना चाहते हैं? यही कि अमेरिका में लोग बहुत आजाद ख्याल के होते हैं, वहां पे लड़का लड़की दोस्ती में उसके साथ भी रहते हैं। अमेरिका में भी अच्छे घरों के लड़कियों को अपने लिमिट का पता होता है। 12 साल की थी जब मॉम की डेथ हुई थी, लेकिन उन 12 सालों में मॉम ने मुझे इतना समझा दिया था कि मेरे लिमिट्स क्या हैं।
मैं और जॉर्ज एक साल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. हमारी हॉबीज एक थी, हमारे शौक एक थे, हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे. फिर हमने फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं. जब डैड को ये बात बताई तो उनको अच्छी नहीं लगी, बट इसका राइट सिर्फ मुझे था कि मैं किससे शादी करूंगी. वो तो अगर जॉर्ज ने मुझे चेट ना किया होता तो आज मैं उसकी बीवी होती और हम लोग बॉस्टन में रह रहे होते. तुम्हें गैर मुस्लिम से शादी करनी थी. मुसलमानों का इमेज मेरे माइंड में बहुत गलत है और कुछ इमेजेस आपको जिंदगी भर हॉन्ट करते हैं. नवीद अंकल भी तो मुसलमान है, क्या वो अच्छे मुसलमान नहीं? वो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे डॉक्टर. मुसलमान कैसे हैं ये मुझे नहीं पता, मगर जब मैंने उन्हें जॉर्ज से शादी का फैसला सुनाया तो उस दिन आइडिया हुआ कि डैड अचानक से मुसलमान हो गए. तो तुम्हें नमाज कुरान कुछ नहीं आता? बचपन में पढ़ा था उसे. मॉम जब जिंदा थी तो उन्होंने एक टीचर रखा था. He was a nice guy. नफरत हो गई थी मुझे उससे और जैसे लोगों से. I'm very sorry. I think मैं कुछ ज्यादा सवाल कर गया. It's okay. बहुत बहादुर, सबसे बहादुर दोस्त. मैं इस बात को अपने दिमाग से निकालना चाहती हूँ, लेकिन जब भी याद आती है मैं डर जाती हूँ. नफरत और डर का कॉम्बिनेशन बहुत लीटर होता है. Kim, your teacher's here. I know you're not sleeping. Kim? Come on, he's waiting, Kim. समझ क्यों नहीं रहे? खुदा के लिए वैस, सुनो तो सही. इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है मेरे लिए. अगर तुम अचानक रिश्ता ले आओगे तो मैं घर वालों को क्या कहूंगी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. अच्छा,
नाराज होकर फोन मत बंद कर। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी करने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत तो है, कहाँ गई थी? सिगरेट पीने गई थी। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ये कैसे लग रहे? अरे ये तो अम्मा जान के बुंदे हैं, ये पहन के तो तुम चमकोगी। बस रहने दे, अभी आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा और मुझे डांट देंगे। अरे भाई तारीफ भी तो करता हूँ तुम्हारी। बस सिर्फ इसी कमरे में और वो भी कभी कभार, वरना सबके सामने तो मुझे डांट फटकार ही पड़ती रहती है। रजिया बेगम क्या बावली हो गई हो, सबके सामने लल्लो चप्पो करना अच्छा लगता है क्या? बाबूजी भी होते हैं, बच्चे जवान हो गए हैं और इकबाल भी तो है। सबके सामने तो अच्छा नहीं लगता, मगर सबके सामने मुझे डांटना, मुझे नीचा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। सच पूछे ना तो मेरा दिल कटता है जब आप सबके सामने मुझे जलील करते हैं। अच्छा अच्छा जाओ, जाकर देखो सब तैयार हुए कि नहीं। हाँ जाती हूँ। हाँ याद आया, एक बात आप कान खोल कर सुन ले, फिरदौस या मुदस्सिर भाई ने अगर दानियाल और हुस्ना के रिश्ते की बात की ना तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। मैं आपको अभी से बता रही हूँ। पहले से पहले अंदाजे लगाने शुरू हो जाती हो तुम। इसलिए जनाब के मेरे अंदाजे हमेशा ठीक होते हैं। अरे वो अब्बा जी को मुट्ठी में करके आगे कर देंगे, आप अब्बा जी के सामने इनकार नहीं कर सकेंगे। मगर मैं अब बता दूं आपको कि दानियाल के लिए हुस्ना मुझे अब कबूल नहीं है किसी सूरत भी। बस जाओ जाकर देखो, हर वक्त कुड़ 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 कुड़। जा रही हूँ। अरे भाई तुम तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जा रही आज। फिर तुम नहीं जाओगी तो मुझे भी रुकना पड़ेगा ना? नहीं ना, मुझे पढ़ना है, आप जाइए ना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। तैयार नहीं हुआ अभी? सुरैया का कल पेपर है, वो नहीं जाना चाह रही, मैं उसके साथ रुक जाती हूँ। एक बार देख लो, फिर दोस्त नाराज हो जाएंगे कि तुम्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए। हाँ मैं उनसे फोन पे बात कर लेती हूँ, आप परेशान मत हो। अच्छा लाए मुझे अपने कपड़े देते हैं, मैं इस्त्री कर दूँ। हाँ आ जाओ, निकालती हूँ मैं, आ जाओ। कितना मुश्किल काम है इसे कपड़े पहनना। अच्छी लग रही। तुम्हें पहनना पड़े ना तो तुम्हें पता चले कितना अनकंफर्टेबल है। न्यूली मैरिड लड़कियों के साथ जुल्म है। जूबी नहीं पहनोगी? नो वे, मैंने ये आउटफिट पहन लिया यही बड़ी बात है। सुरैया बता रही थी कि इस तरह के कपड़े यहाँ पर कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तुम लोग इतने पैसे क्यों जाया करते हो ऐसे कपड़ों पे? क्या ऐसा आउटफिट पहन के कोई लड़की ऑफिस जा सकती है या ड्राइव कर सकती है? रिस फातिमा, ये कपड़े सिर्फ ऐसे मौकों पर पहने जाते हैं, रूटीन के लिए नहीं होते। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो वाकई पैसों का जया। देखो कैसी लड़की, कंधों का बोझ उठा के सर पे रख दिया। नो, मैं नहीं कर सकती है, मुझसे हैंडल नहीं हो भाई।
वैसे आप प्यारी लग रही हैं। सुनो फिर अगर तुम्हें सिगरेट पीना हो ना छत पे जाने की जरूरत नहीं है, बस स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं है, अगर छोड़ दो तो अच्छा। तो खासी देर कर दी इन लोगों ने आने में। हाँ आज लग रही है हमारे दावत की दुल्हन, हमारी बहू, क्यों रजिया? जी अब्बा जी बिल्कुल। ये क्या तुम्हारा गला क्यों खाली है? गला नहीं, गले में कुछ पहना क्यों नहीं? नहीं ऑलरेडी तो हैवी इयररिंग्स पहने हुए हैं, आई थिंक इट्स एनफ। दुल्हन का गला खाली नहीं होना चाहिए। रजिया दुल्हन तो आप लग रही हैं आज। अंकल बेचारा अच्छी लग रही है ना रजिया? हाँ। You know what? जब मेरी मामा अच्छा सा तैयार होती थी ना तो मेरे डैड। कनीस फातिमा हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। बाबूजी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ चलो चले। आए वक्त पे पहुँचना अच्छी बात है। जी आइए बजे। मैंने क्या कुछ गलत कहा? बात करने से पहले सोच लिया करो। अंकल बशारत रजिया के हस्बैंड है राइट? हाँ लेकिन हमारे यहाँ मियाँ बीवी खुल के इस आशिकी की बातें नहीं करते, मायूब समझा जाएगा। मायूब कौन? बुरा समझा जाएगा। शौहर अगर बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो बीवी को अच्छा लगता है, अलबत्ता अगर सबके सामने नफरत का इजहार करे तो बीवी को दुखता है। ओके भाई बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब यहाँ आए। माशाल्लाह अब लग रही ना हमारी बहू, बस ऐसे ही तैयार रहा करो हमेशा। नो वे, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा ड्रेस कैरी करना। वो सुरैया इकबाल और दानियाल नजर नहीं आ रहे। सुरैया के इम्तिहान है, वो उसकी तैयारी कर रही है, इसीलिए इकबाल को भी रुकना पड़ा। और दानियाल अपने दोस्त की तरफ गया है, वहीं से आएगा। हम अगर सबको बुलाया था तो सबको आना चाहिए था, ये तो गलत बात है भाई। मजबूरी थी इस वजह से नहीं आ सके, आइंदा दावत करोगे तो सब आ जाएंगे कि फिर दोस्त। इंशाल्लाह पाजी बिल्कुल सही। बशारत भाई कारोबार कैसा जा रहा है? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है भाई, अल्लाह का करम है और अल्लाह के साथ उसके बंदों का भी करम है। मुदसर तुम्हारी घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं गई। अरे मैं तो बशारत भाई के क्लाइंट्स की बात कर रहा था और क्या। दाऊद हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया? नहीं पापा जी, एक हफ्ते की छुट्टी ली हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैम आओ तुम्हें अपना कमरा दिखा के लेकर आऊं। या शो और भाई अमेरिका कब जा रहे हो? भाई पहले यहाँ की दावतें तो खा ले, बाद में दाना पानी हुआ तो अमेरिका भी चले जाए। पर जी मैं अमेरिका नहीं जा रहा। अब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, तुम्हें अमेरिका जा रहा है तो जाओ, और तुम्हें रोक कौन रहा है, हम तो सब खुश हैं भाई। वो मुदसर हामिद कहाँ है? अदर नहीं यार। बशारत भाई वो हामिद गया हुआ है, यहाँ नहीं है, उसको फोन किया था वो जल्द ही आएगा। भाई फिरदौस वो खाने का इंतजाम करो, क्या बातों से ही पेट भरना है क्या? और वैसे भी बशारत भाई का सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है, शैतान। बातों से तो किसी का पेट नहीं भरता, अलबत्ता तुमने फिरदौस को शायद बातों पे टरखाया हुआ है। मैं उसकी सेहत देखो, कैसे ही खाना नहीं देता तुम्हें। नहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है,
वैसे भी इस उम्र में कहाँ इतना खाया जाता है। चलें मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ तुम्हें पढ़ने का शौक है? बहुत। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पूछती रहती हूँ, बीबीए के बाद एमबीए कर लो या फिर सीएसएस के इम्तिहान दे दो। अभी कुछ फाइनल नहीं किया। वाओ, फिर जॉब करोगे राइट? पिम तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का जॉब करना पसंद नहीं किया जाता। पढ़ाई के फौरन बाद शादी कर देते हैं। तो क्या तुम शादी कर लोगी? हाँ शायद। तुम और तानिया ने एक दूसरे को पसंद करते हो? करते थे मगर अब मनु उसने फिर मुझे प्रपोज किया राइट, और तुम्हें ये बात बुरी लगी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है या तुम्हें पसंद करता है उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ मगर नाना बू ने उससे मजबूर किया, सही मुझे और दाऊद भाई को भी मजबूर कर दिया, और फिर तुम भी मजबूर हो गई। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ पर एक्सक्यूज और मजबूरी की कोई जगह नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो दानियल को कभी माफ ना करते। आ मिले हो यही।